आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो लादेन और अलकायदा के खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी परमाणु महाशक्ति बन सकता है। अमेरिका और रूस के बाद वो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु बम बनाने वाला देश बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने परमाणु बम पैदा करने वाली चौथी कोख तैयार कर ली है। पूरी दुनिया के लिए सबसे भयानक खबर, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा परमाणु बम वाला देश बनने वाला है। पाकिस्तान के परमाणु कोख से पैदा होंगे 100-100 परमाणु बम। पाकिस्तान परमाणु बम के लिए पागल हो गया है। पाकिस्तान की परमाणु बम की फैक्ट्री का स्टिंग ऑपरेशन हो गया है। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की चौथी कोख तैयार हो रही है। इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ 225 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम फैक्ट्री। देखिए खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की ये नई तस्वीर। इसी प्लांट से मिलेगा पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम, और ये प्लूटोनियम इतना होगा कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सब देखते रह जाएंगे। खुशाब प्लांट में पहले से ही 3 रिएक्टर हैं, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये है इस न्यूक्लियर प्लांट में तैयार किया जा रहा चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूज़वीक ने खुशाब प्लांट की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में फ्रांस से भी आगे निकल जाएगा, जो अभी परमाणु सामग्री जुटाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। 2013 तक तैयार हो जाएगा खुशाब न्यूक्लियर प्लांट का ये चौथा रिएक्टर। पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है परमाणु हथियारों का जखीरा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख शुजा पाशा ने हाल ही में भारत को चेतावनी दी थी कि भारत पाक की तरफ बुरी नजर से ना देखे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। भारत में हमले के लक्ष्यों की पहचान कर ली गई है। इन ठिकानों पर हमले का अभ्यास भी किया गया है। पाशा उन्हीं परमाणु हथियारों के भरोसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जो इस खुशाब प्लांट से तैयार होंगे। खुशाब प्लांट में न्यूक्लियर बम के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। पिछले साल दिसंबर में इस प्लांट की कुछ तस्वीरें मीडिया में जारी हुई थी। देखिए दिसंबर में जारी इस तस्वीर को। यहां 2 रिएक्टर साफ नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरे रिएक्टर का काम जारी था। थोड़ी दूर पर एक और इमारत नजर आ रही है, लेकिन ये क्या है इस बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब न्यूज वीक मैगजीन की इन तस्वीरों को देखिए। ये चौथी इमारत अब पूरी तरह बनकर तैयार हो रही है, और न्यूज वीक मैगजीन की इस ताजा तस्वीर से पाकिस्तान के मंसूबे भी हो गए हैं पूरी तरह साफ। न्यूज वीक मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हथियार कार्यक्रम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और प्लूटोनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका चौथा रिएक्टर जल्द ही काम करना भी शुरू कर देगा। ये बात विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल रही है। ये ध्यान देने वाला है, पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करने के लिए प्लूटोनियम उत्पादन को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा रहा है। अमेरिका या पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई भी इस मुद्दे पर कुछ बोलने को राजी नहीं। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा खतरनाक स्तर पर है, क्योंकि ईरान अब भी परमाणु हथियारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम नहीं बना पाया है, और उत्तर कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बेहद खतरनाक तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कई मामलों में फ्रांस से भी आगे निकल रहा है, जो असाधारण है। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब ओसामा की मौत के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पिछले 5 सालों में अपने रक्षा बजट पर $50 अरब से ज्यादा खर्च किया, और ऐसे में भारत के खिलाफ वो ये तैयारी कर रहा है। लेकिन उसकी इस तैयारी ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देशों को भी सकते में डाल दिया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी हो गई है। अमेरिका समय समय पर यह आशंका जताता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कट्टरपंथी तत्व परमाणु हथियारों पर कब्जा न कर लें, या फिर परमाणु हथियार को बनाने के लिए जरूरी सामान चोरी करके दूसरी जगह पर ऐसे बम न बना ले, और अगर ऐसा हुआ तो वो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।
क्या पाकिस्तान ने अपना आपा खो दिया है? इसका जवाब अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट देती है जो हाल ही में लीक हो गई। हम बात कर रहे हैं उस विकिलीक खुलासे की जिसमें ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आस्तीन के सांप की तरह अपने ही दोस्त अमेरिका को खत्म करने तक की तैयारी कर चुका है और इतने परमाणु बम बनाने जा रहा है जो भारत सरकार के होश उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को जला देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने खोल लिए हैं परमाणु बम बनाने के कई कारखाने। पाकिस्तान इन कारखानों में दिन रात बना रहा है परमाणु बम। यहां तक कि पाकिस्तान अपने बम अमेरिका को भी छूने नहीं दे रहा। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ रफ्तार से बन रहे परमाणु बम ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका से भी ज्यादा खतरा इस बात से हिंदुस्तान को हो गया है। आखिर पाकिस्तान इतने बम क्यों बना रहा है? अमेरिका के होश और फाकता तब हो गए जब उसे पता चला कि पाकिस्तान 10, 20 या 100 नहीं हजारों परमाणु बम बनाने में जुटा है। तब से उसे खुद अपनी चिंता सताने लगी है। अमेरिका ने पाकिस्तान की जासूसी करके किया है ये हिला देने वाला खुलासा। पाकिस्तान में बेतहाशा बन रहे परमाणु बम से अब खुद अमेरिका को डर लग रहा है। अमेरिका इस बात से परेशान है कि कहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए भस्मासुर न बन जाए। पाकिस्तान के नापाक न्यूक्लियर प्लान की भनक अमेरिका को एक साल पहले ही लग गई थी, मगर ये राज कुछ खास दस्तावेजों में दफन थे जिसे विकिलीक्स वेबसाइट ने दुनिया के सामने ला दिया है। इस खुलासे के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के राजनयिक इस बात से खौफजदा थे कि कहीं पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आतंकवादियों के हाथ में ना चला जाए या फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच महाविनाशकारी परमाणु युद्ध ना हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। ये देखिए, अमेरिकी सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में पाकिस्तान का एक एक परमाणु ठिकाना साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं रावलपिंडी और डेरा इस्माइल खान के न्यूक्लियर प्लांट की। यहां पाकिस्तान तैयार कर रहा है एटम बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम। और यह है पाकिस्तान का छोटा सा शहर खुशाब। यहां पाकिस्तान का अहम परमाणु संयंत्र है। यहां एटम बम के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। इन परमाणु संयंत्रों में हथियार बनाने का काम दिन रात चल रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास को 2009 में ही इसकी खबर लग गई थी। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत एनी पीटरसन ने वॉशिंगटन को आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान अपनी बदहाली के दिनों में भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। एनी पीटरसन ने 2009 में एक और गुप्त संदेश में खुलासा किया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि जुलाई 2009 में पाकिस्तान अपनी ही जुबान से पलट गया। उस वक्त पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गया था कि आतंकवादियों से बचाने के लिए वो परमाणु हथियार अमेरिका को सौंप देगा, मगर ऐन वक्त पर पाकिस्तान अपने वादे से मुकर गया। पाकिस्तान ने यह दलील दी कि अगर उसके मीडिया को यह सब पता चल गया तो वो दुनिया के सामने ये दिखाएगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान की इस चालाकी के बाद अमेरिका हाथ मलता रह गया। यही नहीं, परमाणु कार्यक्रम चालू रखने के लिए एक बार पाकिस्तानी सेना ने जरदारी का सफाया करने का प्लान भी बना लिया था। पाकिस्तानी सेना को शक था कि कहीं राष्ट्रपति जरदारी परमाणु संयंत्र अमेरिका को ना सौंप दे। पाकिस्तान सेना का प्लान जरदारी को पता चला तो उनके होश उड़ गए। अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो का हश्र देख चुके जरदारी ने तुरंत अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात की। जरदारी ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम रुका तो सेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। एक बार फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। होश उड़ाने वाले ये राज ही रह जाते, मगर विकिलीक्स ने जरदारी से लेकर पीटरसन तक के गुप्त संदेशों का खुलासा कर दिया।
और अब इस खुलासे ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे से क्या करने वाला है। पाकिस्तान की चोरी सबसे पहले अमेरिका के सैटेलाइट ISIS ने पकड़ी थी। सैटेलाइट की तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि कैसे पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सैटेलाइट के कैमरे ने कैसे बेनकाब किया पाकिस्तान को। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर और ये पाकिस्तान का छोटा सा शहर खुशाब। खुशाब जहां पाकिस्तान का अहम परमाणु संयंत्र है, यहां एटम बम के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें प्लूटोनियम से एटम बम तैयार किए जाते हैं और इसी खुशाब न्यूक्लियर प्लांट में ये प्लूटोनियम तैयार होता है। इसी खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की खींची गई है ये तस्वीरें। ISIS के खुफिया सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें 3 सितंबर 2008 को खींची और कुछ तस्वीरें 30 जनवरी 2009 को खींची। दोनों तस्वीरों को जब गौर से देखा गया तो खुला एक बड़ा राज। इन तस्वीरों को देखने के बाद पता चला कि पाकिस्तान एक बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम देने में जुटा है। वो अपनी परमाणु ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वो पहले से भी ताकतवर एटम बम तैयार करने में लगा है। भरोसा नहीं होता तो ये देखिए सबूत। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में साफ हो रहा है कि खुशाब में पाकिस्तान का दूसरा प्लूटोनियम रिएक्टर पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसने काम भी करना शुरू कर दिया है, जबकि तीसरे प्लूटोनियम रिएक्टर का काम तेजी से चल रहा है। ये देखिए तीसरे प्लूटोनियम रिएक्टर की छत पर बीम लगे हुए हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये दो तस्वीरें। ये पहली तस्वीर है जो खुफिया सैटेलाइट ने 3 सितंबर 2008 को खींची थी और अब ये दूसरी तस्वीर है जो 30 जनवरी 2009 को ली गई है। अब इन तस्वीरों को एक साथ ध्यान से देखिए, कुछ फर्क नजर आ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, पाकिस्तान का दूसरा प्लूटोनियम रिएक्टर 3 सितंबर 2008 को कुछ ऐसा दिखता था और ये देखिए इसी की दूसरी तस्वीर, 30 जनवरी 2009 को ये रिएक्टर बनकर तैयार हो गया। देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में पाकिस्तान ने प्लूटोनियम रिएक्टर बनाकर तैयार कर दिया। अब देखिए खुफिया सैटेलाइट से ली गई दूसरे प्लूटोनियम रिएक्टर की ये दो तस्वीरें। 3 सितंबर 2008 को ली गई इस तस्वीर को देखकर साफ पता चल रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए यहाँ सीमेंट से लदे ट्रक खड़े हैं। दूसरे प्लूटोनियम रिएक्टर का काम पूरा हो चुका है। अब देखिए पाकिस्तान के तीसरे प्लूटोनियम रिएक्टर की ये दोनों तस्वीरें। ये देखिए पहली तस्वीर, 3 सितंबर 2008 तक इस रिएक्टर की छत तैयार नहीं थी, 5 महीने में छत बनकर तैयार हो गई। अब तक आपने जो तस्वीर देखी उससे साफ हो गया कि पाकिस्तान के पास दो प्लूटोनियम रिएक्टर पूरी तरह तैयार होकर काम करने लगे हैं और तीसरा जल्द ही पूरा होने वाला है। यानी पाकिस्तान और एटम बम बनाने के लिए भारी मात्रा में प्लूटोनियम तैयार कर रहा है। एक बार प्लूटोनियम तैयार हो गया तो फिर एटम बम बनाने में देर नहीं लगती। लेकिन अब हम आपको जो अगली तस्वीर दिखाने वाले हैं वो और भी चौंकाने वाली है। ये देखिए इस तस्वीर को, ये नजर आ रहा है दूसरा प्लूटोनियम रिएक्टर और ये तीसरा। लेकिन ये देखिए यहाँ कुछ और तैयार हो रहा है। इन दोनों रिएक्टरों के सामने एक बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। अब हम आपको दिखा